हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में। और इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। लेकिन मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि ना जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की और ना जरूरत पड़ेगी कंफ्यूजन की, सब कुछ हो जाएगा आपका क्लियर। सबसे पहले आते हैं पहचान पर। पहचान इसकी जो कंटिन्यूअस की होती है वो इसकी है, वाक्य के अंत में यानी कि सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, तो वो आपका कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, लेकिन अगर उसमें दिया हो टाइम, जैसे कि निश्चित टाइम या अनिश्चित टाइम, 5 बजे, 10 बजे, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 दिन, 20 मिनट, तो वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें रहा था, रही थी, रहे थे तो आए, लेकिन साथ में समय दिया रहे, जैसे कि 5 घंटे, 10 घंटे, 15 मिनट, वो टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ना कहलाकर वो कहलाएगा पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती हैड बीन, हैड बीन, और मेन वर्ब तो आप कंटिन्यूअस जैसा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। चलिए तो आते सीधा सेंटेंस पर। सिंपल सेंटेंस, सबसे आएगा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पहले जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, वैसे यहां पर है निश्चित टाइम के लिए सिंस लेना है, अनिश्चित टाइम के लिए आपको फॉर लेना है। सेंटेंस में अभी देख लेंगे कौन सा निश्चित और कौन सा अनिश्चित है। मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा था, तो 5 घंटे, घंटे इज अनिश्चित समय, इसलिए इसके साथ आएगा फॉर। तो आई हैड बीन टीचिंग फॉर 5 आवर, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 5 आवर्स। तुम 5 बजे से पढ़ रहे थे, तुम 5 बजे से पढ़ रहे थे, 5 बजे आपका प्रीसाइज टाइम है, निश्चित समय, इसके लिए सिंस यूज होगा। यू हैड बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock, यू हैड बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। 3 बजे से बारिश हो रही थी, 3 बजे से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock, इट हैड बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock। 3 दिन से बारिश हो रही थी, 3 दिन से बारिश हो रही थी। तो दिन होते हैं वो आपके यहां पर अनिश्चित समय ही आता है, तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। तो इसी के साथ आपका सिंपल सेंटेंस फिनिश होता है और आपका जो कंफ्यूजन है ना वो भी फिनिश होता है। लेकिन कंफ्यूजन चालू होता है नेगेटिव सेंटेंस से। तो नेगेटिव सेंटेंस पर आते हैं, इसका आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट फिर आपका बीन फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। या फिर आप बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस हैडन्ट प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था, मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था। आई हैड नॉट बिन, आई हैड नॉट बिन टीचिंग फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। या फिर आई हैडंट बिन टीचिंग फॉर 3 आवर्स। 3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, 3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी। तो इट हैड नॉट बिन या इट हैडंट बिन रेनिंग फॉर 3 डेज, वो 4 बजे से टीवी नहीं देख रही थी। शी हैडंट बिन या सी हैड नॉट बिन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। तो इसी के साथ आपका नेगेटिव सेंटेंस फिनिश होता है और होप यू गाइस आपके समझ में आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल, फीडबैक सेक्शन में जरूर लिखें। अब आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन करना, सबसे पहले आएगा आपका आएगा हेड देन सब्जेक्ट देन बिन देन फॉर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन सिंस या फॉर प्लस टाइम। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये स्पीड बनानी है। क्या 3 दिन से बारिश हो रही थी, क्या 3 दिन से बारिश हो रही थी। हैड इट बिन रेनिंग फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, काम खत्म। क्या मैं 5 बजे से पढ़ा रहा था, क्या मैं 5 बजे से पढ़ा रहा था। तो हैड आई बिन टीचिंग सिंस 5 o'clock, हैड आई बिन
टीचिंग सिंस 5 o'clock. क्या वो 2 घंटे से नाच रही थी? क्या वो 2 घंटे से नाच रही थी? Had she been dancing for 2 hours? For 2 hours. तो इसी के साथ आपका गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंस फिनिश होता है. अब हम आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. तो फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा. Had प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंसिया फॉर प्लस टाइम, या फिर हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंसिया फॉर प्लस टाइम. तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले हैडंट आएगा देन सब्जेक्ट देन बिन आएगा, या फिर पहले हैड आएगा देन सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट आएगा फिर बिन आएगा. इस चीज को समझना है थोड़ा. क्या वो 2 घंटे से नहीं नाच रही थी? क्या वो 2 घंटे से नहीं नाच रही थी? तो had she not been dancing for 2 hours, या फिर hadn't she been dancing for 2 hours. क्या मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा था? क्या मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा था? Hadn't I been teaching since 2 o'clock, या had I not been teaching since 2 o'clock. तो इसी के साथ गाइज आपका ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फिनिश होते हैं, और इसी के साथ आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी फिनिश होता है, और इसी के साथ पूरा पास्ट टेंस भी आपका फिनिश होता है. तो अब गाइज आपको रिक्वायरमेंट है इसको प्रैक्टिस करने की, बार बार बोलने की, और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कंपेयर करने की, तब जाकर आप तैयार होंगे फ्यूचर टेंस के लिए. और गाइज कुछ भी नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करना है. जो मैंने रूल्स बताया उनको फॉलो करो और कमाल करो. तो इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फीडबैक सेक्शन में जरूर लिखो, और अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को या अपने कलीग्स को ये कोर्स जरूर रिकमेंडेड करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.